CUEP यानी कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, या फिर जिसे हम CUEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, इनके इस साल के फाइनल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं। सो IITS द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम CUEP के हर ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको बताने वाले हैं। साथ ही में हम यहाँ के टोटल फीस स्ट्रक्चर एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ भी आपको बताएंगे। सो इस इंपॉर्टेंट सेशन को एंड तक जरूर देखिए। व्यूअर्स वॉचिंग फ्रेशर्स गाइड, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, CUEP की बात करें तो MSTCET एग्जाम के अंडर आने वाला ये टॉप का कॉलेज माना जाता है और इंडिया में भी ये काफी फेमस है ड्यू टू वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज एंड अदर करिकुलम एक्टिविटीज की वजह से। सो चलिए, आज की सेशन की शुरुआत हम यहाँ के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से करते हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ के फीस और कट ऑफ के बारे में भी बताने वाले हैं। सो यहाँ पे गाइज, इस बार नियर अबाउट 200 नेशनल और कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में, जिन्होंने बीटेक के 788 स्टूडेंट में से 578 स्टूडेंट्स को हायर कर लिया है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जिसमें एमटेक वगैरह आता है, तो उसमें 250 स्टूडेंट में से 131 स्टूडेंट्स को हायर कर लिया है। इंटर्नशिप्स की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 451 स्टूडेंट्स को इस साल कई सारी नामी ग्रामी कंपनियों में इंटर्नशिप्स के मौके मिले थे। और इसी में अगर गाइस हम इस साल के हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 50 लाख पर एनम का अभी तक का इस साल का हाईएस्ट सैलरी रहा है। एवरेज सैलरी 11 लाख पर एनम का था एंड लोवेस्ट सैलरी 4 लाख पर एनम का रहा है। तो चलिए गाइस, अब हम बीटेक के ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीटेक में गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 170 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, उनमें से 159 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड 159 में से 139 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 87% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के एडमिशन थे, उनमें से 92 ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था एंड आउट ऑफ 92 79 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इस ब्रांच का नियर अबाउट 86% के आसपास प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर मैकेनिकल ब्रांच, जिसमें 165 स्टूडेंट में से 157 ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड 157 में से 124 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, इस ब्रांच का 79% का प्लेसमेंट रेशो हमें मिलता है। फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें 75 में से 67 ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 41 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 61% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच भी हम जिसे कहते हैं, तो 105 स्टूडेंट में से 86 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था एंड 86 में से 73 प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 85% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर गाइस हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, 43 में से 40 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में, उनमें से 34 प्लेस हो चुके हैं, 85% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास मेटलर्जी, तो 72 में से 65 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उनमें से 38 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 58% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर सिविल इंजीनियरिंग, 90 में से 84 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में, उनमें से 41 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, 49% का ही इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ का प्लानिंग, तो प्लानिंग में 45 स्टूडेंट में से 38 ने पार्टिसिपेट किया था एंड आउट ऑफ दैट 9 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, नियर अबाउट 24% का ही इस ब्रांच का प्लेसमेंट रहा है। तो ऐसे गाइज यहाँ पे 865 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 788 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 578 स्टूडेंट्स इस साल प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 73% का प्लेसमेंट रेशो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है, लेकिन कुछ ही बच्चे प्लेस होते हैं। इसका रीजन ये है कि कई सारे बच्चे अपना एकेडमिक CGPA मेंटेन नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं बैकलॉग सब्जेक्ट्स की वजह से भी उनके प्लेसमेंट ड्राइव में असर होता है। इसी कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 865 स्टूडेंट में से सिर्फ 578 स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। सो चलिए गाइस, अब प्लेसमेंट के बाद हम यहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो फीस के लिए काफी सिंपलीफाइड हमने चार्ट यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईयरली ट्यूशन फी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, सेमेस्टर वाइज फी नहीं है। तो यहाँ पे जो ईयरली ट्यूशन फी रहेगा SC ST वालों के लिए 0, साथ ही में जो डेवलपमेंट फी होता है
वो भी एससी एसटी वालों के लिए जीरो रहेगा। और जहाँ पे ओपन कैटेगरी है तो उनका फी क्या रहेगा वो हमने दिया है। TFWS यानी कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम जिन्होंने लिया हुआ है उनका ट्यूशन फी पर ईयर क्या रहेगा। साथ ही में OBC हो, EBC हो, JK या फिर NEUT यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरी वाले स्टूडेंट हो उनका फी क्या रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए स्पेशल PMSS के दौरान फी क्या रहेगा, तो वो सभी हमने चार्ट में लिया है। चार्ट को आपको अच्छे से पॉज करना है और इसमें कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करें। तो यहाँ पे जो हमने मेंस पी दिया है वो एज एक्चुअल दिया है, यानी कि मेंस पी चेंज होते रहता है तो इसी कारण हमने एज एक्चुअल दिया है, यानी कि आपको वहाँ पे जाके मेंस के बारे में फी के बारे में पता चलेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जनरली आपका पर मंथ 2.5 से 3,000 के आसपास मेंस फी रहने वाला है, इसका भी आप ध्यान जरूर रखें। और हॉस्टल फी जो है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो बस इस चार्ट को आपको अच्छे से पॉज करना है और आगे बढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि फीस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है आपको, तो आप कई सारे स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको इसमें एजुकेशन लोन भी आसानी से मिल जाता है, तो फीस के इस चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके जरूर देखिएगा गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कट ऑफ की, तो यहाँ पे ब्रांच वाइज हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे और सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 सीट्स आपको मिलने वाली है और हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे उनके रैंक्स दिए हैं। तो यहाँ एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि MST CET के आपके रैंक थ्रू ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है और साथ ही में JEE के रैंक्स थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, लेकिन JEE के रैंक्स हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपने कैटेगरी अनुसार इस चार्ट को अच्छे से पॉज करके जरूर देखिए। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो जिसमें 150 सीट्स आप लोग के लिए रहेगी। क्या कट ऑफ रहेंगी वो हमने यहाँ पे दिए, जैसे आप देख सकते हैं जनरल ओपन कैंडिडेट के, अगर हम मेल यानी कि मेल कैंडिडेट अगर आप हो जनरल ओपन के, तो 150 आपका रैंक होना चाहिए। अब 150 रैंक कब आएगा गाइस, जब आपको 99.60 परसेंटाइल होंगे तभी आपका 150 का रैंक आने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या कट ऑफ रैंक रहने वाले हैं आपके, 60 सीट्स आपको इस ब्रांच में मिल जाती है। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 75 सीट्स मिलने वाली है। कट ऑफ के इस चार्ट को अच्छे से पॉज करना है, सभी कैटेगरी के लिए हमने कट ऑफ दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे छूट गया है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसमें भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसके बाद है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी काफी फेमस है यहाँ का, टोटल 75 सीट्स आपको इसमें मिल जाती है। चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके देखिए। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें टोटल 38 सीट्स आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफी फेमस है यहाँ का, ये 150 सीट्स आप लोग के लिए है। कट ऑफ के इस चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके जरूर देखिए। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 75 सीट्स आपको मिलने वाली है। कट ऑफ का चार्ट आप अच्छे से पॉज करके देखिए। और लास्ट ब्रांच है हमारे पास यहाँ का मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, जिसमें भी आपको 75 सीट्स मिलने वाली है। तो चलिए अब JEE मेंस के भी कट ऑफ देख लेते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं एवरी ब्रांच के हमने कट ऑफ रैंक दिया है, JEE मेंस का एक कट ऑफ रैंक रहेगा, तो इसे भी आप अच्छे से पॉज करके जरूर देखिए। यानी कि जब भी आप MST CET के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आप JEE मेंस का भी अपना डिटेल भरिए और साथ ही में MST CET का भी डिटेल भरिए। हो सकता है आपको अगर MST CET एग्जाम पे अच्छी ब्रांच या फिर अच्छा कॉलेज ना मिले, तो हो सकता है आपका JEE मेंस का अगर अच्छा स्कोर रहा हो तो उसके ऊपर आपको एक बढ़िया ब्रांच और कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइस मैं समझता हूँ कि CUEP का ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक सेशंस के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।